करीना कपूर ने कोविड सिचुएशन से रिलेटेड किया एक पोस्ट। इस पोस्ट में लोगों को ही ठहराया चेन ब्रेक करने के लिए जिम्मेदार। नेटिजंस ने उन्हें याद दिलाया रणबीर और सारा का मालदीव वेकेशन। ट्रोल कर लोगों ने साधा करीना पर निशाना। क्या है खबर, आइए जानते हैं। कोरोना महामारी से पूरे देश में दहशत है। इस दौरान कई सेलेब्स लोगों को जागरूक करने के लिए मैसेज शेयर कर रहे हैं। करीना कपूर ने भी लोगों को अवेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला। करीना ने हैरानी जताई है कि लोग स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। वेल, करीना ने वैसे सभी के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन लगता है जैसे लोगों को करीना के इस चिंता से भी प्रॉब्लम है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके इस पोस्ट पर लोगों ने उन्हें कर दिया है ट्रोल। दरअसल करीना ने पोस्ट में लिखा है, मेरे लिए ये अकल्पनीय है कि अभी तक लोग देश की गंभीर सिचुएशन समझ नहीं रहे हैं। अगली बार आप बाहर निकले या चिन के नीचे मास्क पहने या नियम का उल्लंघन करे तो एक बार डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में सोच लीजिएगा। वो दिमागी और शारीरिक रूप से टूटने के कगार पर है। आप में से जो लोग ये पढ़ रहे हैं वो चेन ब्रेक करने के लिए जिम्मेदार है। अब पहले से कहीं ज्यादा भारत को आपकी जरूरत है। वेल, करीना के इस मैसेज पर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने करीना को खरी खोटी भी सुना दी। किसी ने साधा रणबीर आलिया पर निशाना तो किसी ने सारा अली खान पर। एक यूजर ने लिखा, ये बात उन सेलेब्स पर भी लागू होती है जो बिना शर्म वेकेशन पर जाते हैं, प्लीज उनको भी ये सब बताइए। एक और फॉलोवर ने लिखा, कृपया ये बात अपने कजिन को भी बताइए जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक हफ्ते पहले मालदीव गए थे। करीना के इंस्टा पर ऐसे कई तरह के कमेंट्स हैं। डालिए उन सभी कमेंट्स पर एक नज़र। बता दें कि बीते दिनों रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी जैसे कई सेलेब मालदीव ट्रिप से लौटे हैं। रणबीर और आलिया दोनों कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दोनों ठीक होने के बाद शॉर्ट वेकेशन पर गए थे। वेल, इन सभी सेलेब्स को काफी ट्रोल किया गया था और अब करीना को भी ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। वेल, इस पूरे वीडियो पर आप हमें बताएं अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।